डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ी थी, जैसे कि नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ा कि नंबर्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के नंबर्स होते हैं, सम संख्या, विषम संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या और भी कई प्रकार के सहअभाज्य संख्या। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में पिछले वीडियो में पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय प्रणाली यानी कि इंडियन सिस्टम में वर्ड्स से कैसे अंकों में लिखना है, यानी कि संख्याओं को शब्दों से अंकों में कैसे लिखना है और अंकों से शब्दों में कैसे लिखा जाता है। तो अंकों से शब्दों में लिखना आसान होता है, कई सारे बच्चे लिख भी लेते हैं, लेकिन शब्दों से अंकों में लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस चीज़ के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो कॉपी और पेन लेकर हो जाइए तैयार, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल से देखते हैं कि किस तरह से हम लोग आसानी से समझ सकते हैं कि किस जगह पर किस शब्द को क्या लिखा जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3, 2, 8, 5, 9, 6, 4 और 0 और 6, है ना, इतने बड़ा नंबर ले लिए। अब इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़ क्या होते हैं, उन चीज़ों को डिटेल में समझते हैं। तो सबसे किनारे वाले को कहते हैं इकाई, यानी कि यह इकाई वाले स्थान पर आता है। तो ये हो गया इकाई, इंग्लिश में बोलते हैं वंस। ऐसे ही दूसरा है दहाई, दहाई को इंग्लिश में कहते हैं टेंस, यानी कि दसवें प्लेस पर है। इसके बाद है दहाई के बाद सैकड़ा, सैकड़ा को इंग्लिश में कहते हैं हंड्रेड। इसके बाद आता है सैकड़ा के बाद हजार, इसको क्या कहेंगे, हजार, थाउजेंड। हजार के बाद दस हजार, दस हजार यानी कि टेन थाउजेंड, है ना। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे, टेन थाउजेंड के बाद लाख, लाख को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाख ही कहते हैं। लाख के बाद दस लाख यानी कि टेन लाख, टेन लाख, लाख, दस लाख, फिर करोड़ यानी कि करोड़पति बनते हैं। कौन बनेगा करोड़पति देखते हैं आप लोग, करोड़। उसके बाद क्या आता है, दस करोड़ यानी कि टेन करोड़, दस करोड़। तो इस तरह आप लोग इसको याद कर सकते हैं कि सबसे किनारे वाले को इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड यानी कि ये थाउजेंड पर है, टेन थाउजेंड, लाख, टेन लाख, करोड़, टेन करोड़। इन सभी को आप लोग याद कर सकते हैं और इसको बार बार आप पढ़ते रहिए, लाइन से ऐसे ही याद करिए, पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, लाख, दस लाख, करोड़, दस करोड़। यहीं तक मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, अरब, खरब, ये सब में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो एक छोटा सा एग्जांपल से देखते हैं। जैसे 5, 3, 8, 4, 0, इसको आप लोग कैसे शब्दों में डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, पीछे से इसको गिनते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस हजार, है ना। इस जो जो जिस जगह पर है उसको आप लोग ऐसे तीन और दो इस जोड़े में कामा लगाकर बना सकते हैं। कामा लगा हुआ आप लोग बुक्स में देखते होंगे, यदि आप ध्यान देंगे तो आप उस कामास का महत्व समझेंगे। तो कैसे कामा लगेगा, 1, 2, 3 यानी कि सबसे पहले तीन अंक बाद ऐसे कामा लगा लीजिए, फिर उसके बाद 1, 2 इसके बाद कामा लगाना है, लेकिन इसके बाद कोई नंबर है ही नहीं तो इसलिए कामा नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, तो ये तीनों एक साथ आएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 840, इसको क्या कहते हैं हिंदी में, 840। तो पीछे से लिखते हैं हम लोग तो एकदम सही लिखाता है, पीछे से कैसे लिखेंगे, तो देखिए ये दोनों मिलकर क्या बन गए, इकाई और दहाई वाले 40, चार दहाई 40, है ना। तो 4 और 0 40 हो गए और ये 8, 8 किस पर आ रहा है, सैकड़ा पर, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो 840, तो पीछे से क्या लिखेंगे, 840, ठीक, 840 हो गया। उसके पहले क्या है, 53 किस स्थान पर आ रहा था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, ये एक परिवार है समझ लीजिए, एक फैमिली के मेंबर हैं सब तीनों। उसके बाद दो दो मेंबर बनते हैं, तो दो ये कौन है दोनों, तो देखिए हजार
10,000, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, ये दोनों हजार के परिवार हैं। हजार और 10,000 दोनों के नाम के अंत में क्या आ रहा है, हजार आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बन गए, 53,000। तो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे 53,000। तो इस तरह से आपका पूरा ये जो है जो नंबर है वो शब्दों में डिफाइन हो गया 53,840। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, इंग्लिश में भी लिखना सिंपल है, ठीक उसी प्रकार से पीछे से गिनेंगे वंस टेंस हंड्रेड। तो वंस टेंस हंड्रेड ये तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 840। क्या बना रहे हैं, 840। इसके पहले क्या है, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड, 10,000 बन कर रहा है 53। तो 53 को क्या लिखेंगे, 53,000, 53,000, ठीक। आगे देखते हैं, तो इसके बाद एक और हम एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि लाख वाले को कैसे लिखेंगे और उसके बाद करोड़ वाले का एग्जांपल लेंगे। तो चलिए देखते हैं, तो यहाँ पर लेते हैं 308506, है ना। तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, तो चलिए लिखते हैं इसको, देखते हैं ये लाख में जाता है क्या करोड़ में जाता है। तो शुरू करते हैं, तो सबसे पहले आपको तीन अंक बाद कामा लगाना है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तीन अंक बाद पीछे से कामा लगाना है। तो 1 2 3 यहाँ पर आप कामा लगा लिए, इसके बाद आपको दो अंक बाद कामा लगाना है, 3 के बाद यहाँ पर आप कामा लगा लेंगे, है ना। पहले तीन अंक बाद, फिर दो अंक बाद कामा, फिर दो अंक बाद यहाँ पर कामा लगेगा, लेकिन यहाँ पर कोई अंक है ही नहीं तो यहाँ पर कामा नहीं लगाएंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या होता है इसमें, तो यहाँ से शुरू करते हैं गिनना, इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा ये तीनों एक साथ आएंगे, तो इन तीनों को एक साथ आप क्या लिख सकते हैं, 6 के पहले 0 0 है, किसी अंक के पहले 0 रहे तो क्या होता है, वो सिर्फ 6 ही रहता है, उसके आगे ना 100 है न कुछ है। तो यहाँ पर सबसे पहले किनारे क्या लिखेंगे, 6, यानी कि 6 है, 6 के पहले ऐसा नहीं 106 है या यहाँ पर 5 है तो 56 है, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्या है, सिर्फ 6 है, अकेला है, है ना। इसके पहले फिर इकाई दहाई सैकड़ा, इसके बाद आता है हजार 10,000, ये दोनों हजार के परिवार हैं, हजार के। तो इस हजार के परिवार को कैसे लिखेंगे, तो हजार 10,000 ये दोनों मिलकर किस में आ रहे हैं, हजार के परिवार में, और इसको क्या पढ़ते हैं, 85,000। तो 6 के पहले क्या आएगा, 85,000, 85,000 के पहले क्या आएगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार 10,000, लाख 10,000, यानी कि लाख के परिवार आ रहे हैं यहाँ पर। लाख वाले में कौन कौन है, 30,000, है ना, तीन और जीरो मिलकर क्या बन जा रहे हैं, 30,000। और 30,000 को कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से आप लिख लेंगे 30,000। तो इस तरह आप अगर पढ़ेंगे तो ये हो गया 30,85,006, 30,85,000 छः, जहाँ पर जीरो आए जीरो से घबराना नहीं है। हाँ, जब ऐसे दिया रहेगा तो उल्टा लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, लेकिन उसको भी हम बताएंगे कि कैसे लिख सकते हैं सिंपली, जैसे इसको पीछे से ऐसे जल्दी जल्दी लिख ले रहे हैं। तो इसको फिर से देखते हैं इंग्लिश में कैसे पढ़ेंगे, तो वंस टेंस हंड्रेड, तो वंस पर कौन आ रहा है, 6, तो सबसे पहले क्या लिखाएगा, 6 के पहले कोई ऐसा नहीं है कि यह कोई एक साथ बन जाए, है ना, जैसे कि 106 या 126, ऐसा कुछ नहीं बन रहा है, तो इसलिए सिर्फ 6 अकेला है। फिर और पीछे आएंगे तो यह है 1000 10,000 1000 की फैमिली है, तो यहाँ पर 85,000, क्या कहेंगे इसको, 85,000 6। उसके पहले क्या है, लाख 10,000, ये लाख के फैमिली है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बन जा रहे हैं, 30,000, और 30,000 को क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 30,000। तो इस तरह से हमारा पूरा का पूरा इसको हमने वर्ड्स में डिफाइन कर दिया, 30,85,006, या इंग्लिश में कहें तो 30,85,006। तो इस तरह आप लिख लेंगे। चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, आप लोग इसको लिख कर देखेंगे और इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे, 3489005, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि इसको वर्ड्स में क्या लिखेंगे, यानी कि शब्दों में क्या लिखेंगे, कॉमाज लगाकर लिखने की कोशिश करिएगा, जल्दी से आप लोग लिख पाएंगे और देखेंगे कि ये बहुत ही सिंपली हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे हम लोग देखने वाले हैं कि वर्ड्स से यानी कि शब्दों से इसको अंकों में संख्याओं में कैसे लिखना है, उसको देखते हैं। तो चलिए एक लेते हैं,
नंबर 5000, पाँच हजार 308 या 80 ले लेते हैं, 5380। तो इसको भी आप लोग पीछे से ही लिखेंगे तो ये जल्दी से लिखा जाएगा, सिंपली लिखा जाएगा। जैसे 80 है, सबसे पहले क्या आ रहा है 80, 80 को आप क्या लिखते हैं तो पीछे लिखते हैं 80, 80 लिखा गया। 80 के पहले क्या है 380, यानी कि 100वें स्थान पर कौन है, 100वें स्थान पर 3 आना चाहिए। तो इसे को पढ़ते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी कि 100वें स्थान पर 3 आ गया। तो ये पूरा मिलकर क्या हो गया 380, है ना, 380 हो गया। इससे पहले क्या है 5000, तो 80 हो गया, 380 हो गया मिलकर, फिर 5000 को लिखना है। 5000 को कैसे लिखेंगे, हजारवें स्थान पर कौन आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो यहाँ पर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार पर कौन आएगा 5 आएगा। तो इस तरह हमारा बन गया 5380। और आगे लेते हैं तो मान लीजिए हम लिखते हैं 402008, है ना, 402008। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं जिसमें जीरो लगाना पड़ता है बीच में, वो कैसे लगेगा उसको देखते हैं। तो 2008, है ना, सन 2022 चल रहा है इस समय, तो 2008 कैसे लिखे रहे होंगे, 2008 में आप लोग यदि रहे होंगे तो बहुत छोटे रहे होंगे, वैसे नहीं रहे। तो अगला एग्जांपल है 402008, तो इसको आप लोग कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लोग 8 लिखेंगे, 8 ऐसे 8 हो गया, 8 के पहले क्या आएगा उसको देखते हैं, 8 के पहले 2000 लिख रहा है, यानी हजारवें स्थान पर 2 आएगा। तो इकाई, इकाई के पहले दहाई, दहाई नहीं है कोई, फिर सैकड़ा, सैकड़ा कोई नहीं, जीरो बढ़ाएंगे, है ना, जहाँ कुछ नहीं लिखा है वहाँ पर जीरो बढ़ा देते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, हजार पर कौन है 2, तो 2008 हो गया। 2008 के पहले क्या है 400000, 400000 को कैसे लिखेंगे, 400000 को लिखते हैं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10000, फिर लाख, तो 10000 पर क्या आया 0, और फिर क्या आएगा लाख पर 4, तो 402008 इस तरह से लिखा जाएगा, है ना। तो आप लोगों को जीरो लगाने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, इंग्लिश में लेते हैं इसको, 5 crore 36 lakh 112, है ना। तो इसको आप लोग कैसे डिफाइन करेंगे, वर्ड्स, वर्ड्स से नंबर्स में कैसे लिखेंगे उसको लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लोग क्या लिखेंगे 12 लिखेंगे लास्ट में जो है, तो यहाँ पर लिखते हैं 12, 12 के पहले क्या है 112, यानी कि 100 प्लेस पर कौन आ रहा है 12, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर वंस, टेंस, 100, 100 पर कौन है 1, तो 112। उसके पहले क्या है 6 लाख, तो 6 लाख कैसे लिखेंगे, तो आप देखेंगे बहुत बड़ा गैप आ रहा है, लाख से सीधे 100, 10,000 इन दोनों को गैप कर दिया है। तो यहाँ पर फिर से चलते हैं, वंस, टेंस, 100, फिर 1000 10000, फिर उसके पहले क्या आएगा लाख, लाख पर कौन है 36 लाख, ये दोनों एक साथ रहेंगे, तो यहाँ पर 6 हो गया, यहाँ पर 3, तो ये मिल गया 36, है ना, 36 लाख, और 112। उसके भी पहले क्या है 5 crore, तो वंस, टेंस, 100,000 10,000 lakh 10 lakh, फिर करोड़, करोड़ पर कौन है 5 crore, तो 5 अकेले है तो 5 crore, है ना। इस तरह से सिंपली आप लोग लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा क्या लिखेंगे इसको, 6,20,202, है ना। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इसको इस तरह नंबर्स में कैसे लिखेंगे।